गिल्ली डंडा में निपुण। ये क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, वहीं रुक जाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो कहाँ हो तुम? हम तो इनके भीतर छिपी हुई कला को देख रहे। कला देख रहे? भिक्षा मांगने की कला में निपुण। आप लोग कहीं भी भिक्षा मांग सकते हो, किसी से भी भिक्षा मांग सकते हो। महोदय, मैं भली भांति से जानता हूं कि मैं महान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में हूं। आप ही हैं वो जो छिपी हुई कला को ढूंढ निकालते हैं, अर्थात ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी। परंतु आप यहां क्यों आए? पिटने। हम वो करने आए जो व्यक्ति पूरे जीवन भर करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। हम लोगों के भीतर में छुपी हुई कला को बाहर निकालते, उनके अंतर मन में देख के उनका आत्मज्ञान जगाते, हम जन कल्याण करते। छोड़िए छोड़िए, स्वयं को ज्ञानी और अंतर्यामी कहने वाला वास्तविकता में सबसे बड़ा पाखंडी होता है। गुरुजी, 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 चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो आप हमेशा करते हैं। हमारी बात पृथक है। सत्य कहा आपने, आपकी बात पृथक है, क्योंकि आपके भीतर छिपी हुई कला भी कुछ ऐसी ही है। क्या? बताइए बताइए, हमारी छिपी कला क्या? हरी सभा के बीच में बता दे। रोक लीजिए इसे, अन्यथा सम्मान सारा लुट जाएगा, भांडा फूट जाएगा। इस छुपी कला के चक्कर में पूरा जीवन छुप छुप के गुजारना पड़ेगा आपको। सत्य का कुछ हमें तुम्हारे तुच्छ मुख से कुछ नहीं सुनना है। आप इन्हें छोड़िए, मेरी छिपी हुई कला के विषय में बताइए बताइए। आपके भीतर छिपी हुई कोई कला नहीं। ये लीजिए महाराज। आपके कहने का तात्पर्य क्या? हमारे राज दरबार के विशेष सलाहकार, जिनके पास प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, उनके पास कोई छिपी हुई कला नहीं है जी। क्योंकि इनकी सभी कलाएं सर्वविद्यत हैं। परंतु महाराज, जहां से मैं आपको देख रहा हूं, तो आप में एक छिपी कला अवश्य है जिसे आप नहीं देख पा रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्रुवर, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हम में कोई छिपी हुई कला हो ही नहीं सकती है। हाँ महाराज। नहीं महाराज, हम ये नहीं कहना चाहते। हम कहना चाह रहे हैं कि आप में है, छुपी कला है, परंतु उसके विषय में इसे कैसे ज्ञात हो सकता महाराज? इसके विषय में तो हम जैसा व्यक्ति बता सकता है जिसके पास मंत्रों की शक्ति है, ब्रह्म दृष्टि है। और हमारी ब्रह्म दृष्टि ये कह रही है महाराज कि ये व्यक्ति सबको मूर्ख बना रहा है, और अब आपको भी। हाँ हाँ महाराज, मेरा भी यही विचार है। क्योंकि यदि किसी में छिपी हुई कला होती भी है तो वो समय के साथ अपने आप बाहर आती है, किसी के बताने से बाहर नहीं आती। आप सब क्या समझते हैं कि हम ढोंग कर रहे? हम काशी में कड़ी तपस्या करके आए, अंतर मन काल सिद्धि को प्राप्त करके। आपको चाहिए तो आप उदाहरण ले सकते हैं, हम उदाहरण देने के लिए तैयार हैं। आपका उदाहरण हमें नहीं चाहिए। मेरे पत्नी के हाथों में धनुष बाण थमाकर आपने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। अवश्य उनसे कोई भूल हुई है। हमने उन्हें धनुष बनाने की कला के बारे में बताया था, धनुष चलाने के लिए नहीं कहा था। और मेरी पत्नी से क्या कहा था? कि उसके पास मालिश की कला है। अवश्य, परंतु जानवर की मालिश की, और खास करके भैंस की। और वरुण माला को क्या कहा? तुम्हारी उंगलियों में कला है। अवश्य उनकी उंगलियों में कला है, परंतु हम उनकी कला प्रत्यक्ष रूप से अभी देख नहीं पाए। हमें खेद है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी उंगलियों में ईश्वर ने
कोई ना कोई कला अवश्य डाली हुई है। समय आने पर हम जरूर बताएंगे। और आपने महारानी चिन्ना देवी से क्या कहा कि ईश्वर ने उन्हें संगीतकार बनने की कला दी है, छिपी हुई कला? विचित्र है कि उन्होंने भी गलत समझा। उनके पास संगीतकार बनने की कला नहीं, संगीतकार को पहचानने की कला है। वैसे जैसे आपके पास शत्रुओं को पहचानकर उनको हृदय से जीतने की कला है। केवल हृदय से नहीं, तलवार से जीतने की भी कला है हम में। महाराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास हृदय जीतने की कला है। महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं ये कोतवाल, इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। सोच लीजिए महाराज, अगर बात सत्य साबित हो गई तो बिना कारण दंड देने के लिए आप एक अन्यायी राजा कहलाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिमा तक हमारी बात अवश्य सिद्ध हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या होगा पूर्णिमा तक? पूर्णिमा तक इसे दंड से भागने का अवसर मिल जाएगा, और क्या। हम क्यों भागेंगे, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने तो नेक कार्य किया। हम अपने अंतर मन काल सिद्धि द्वारा लोगों के मन में छिपी कला को बाहर निकालने का और इस कार्य को सिद्ध किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, और इसके लिए हमें कोई दंड भी नहीं दे सकता। ये एक पाप होगा। तो ये नेक कार्य आप कहीं और जाके कीजिए। कोतवाल, इन्हें द्वार का मार्ग दिखाया जाए। चलिए यानी जी, चलिए आइए। मंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। बताइए आज का मुद्दा क्या है? महाराज, आज कोई विशेष मुद्दा नहीं है, क्योंकि कल आपको सलेम के शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। आने वाली पूर्णिमा के शिव भगवान के रुद्राभिषेक हेतु महाराज। जी जी, ज्ञात है हमें। परंतु आपको ये विदित नहीं है कि वहां किससे भेंट होने वाली है, कैसे बताएं आपको? महाराज को बताना तो होगा कि वहां उड़ीसा नरेश गजपति आ रहे हैं, परंतु कैसे बताऊं? यदि महाराज आप न जाना चाहें तो? हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्या है महाराज कि वो भी आ रहे हैं। वो कौन? अब गजपति। गजपति कौन? अब महाराज वो राज राजेश्वर, तिलकधारी, धनुर्धर, महाबली योद्धा। वो उनका कोई नाम तो होगा महामंत्री जी। आपने उनका नाम लेने के लिए मना किया है महाराज। इतनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, आप नाम लीजिए उनका। कौन है वो? ओडिशा नरेश गजपति प्रताप रुद्रदेव। तो उनका नाम इतने अभिमान से लेने की क्या आवश्यकता है? आपके राजा हम हैं या वो? अवश्य महाराज आप। और यदि वो आ रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे? भयभीत होते हैं क्या हम उनसे? हम अवश्य जाएंगे, वो आ रहे हैं तो हम अवश्य जाएंगे। और इस बार रुद्राभिषेक हमारे ही हाथों होगा। जी अवश्य। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। पुरोहित जी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? महाराज अधिराज शूरवीर धर्मपरायण कलिंग नरेश गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव पधार रहे हैं। पुरोहित जी,
आप क्यों कांप रहे हैं? कांपू नहीं तो क्या करूं? सामने बाउंडर खड़ा है, दूसरी दिशा से चक्रवात आ रहा है। ये क्या हो रहा है गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, प्रलय के विषय में सुना है? हाँ। तो ये प्रलय से पहले की शांति है, समझ लीजिए प्रलय आने वाली है। ये गजपति प्रताप रुद्रदेव नाम से ही नहीं, अभी तो दिखने में भी प्रतापी है। मुख पे एक योद्धा का तेज है, परंतु इन्हें हम भी तभी प्रणाम करेंगे जब ये हमें नमस्कार करेंगे। हम भी राजा है। दिखने में किसी महायोद्धा से कम नहीं लगते, परंतु इन्हें नमन तो हम तब करेंगे जब ये हमें प्रणाम करेंगे। मनी, लगता है इनकी भी दो दो रानियां हैं। नहीं नहीं मनी, ये रानी नहीं, कुछ और ही है। जो भी है, लेकिन हमारे गुरुजी को देख के आंखें क्यों टिमटिमा रहे हैं? गुरुजी, इनके विचार कुछ देख नहीं लग रहे हैं। इन दोनों पंडितों को देखकर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये करते आपको लज्जा नहीं आती? नहीं आती? ये कैसा व्यक्ति है? आप त्रुटि कर रहे हैं महानुभाव। ये हमारे मामा महामंत्री जी हैं और ये इनका मुद्रा दोष है। अत्यंत विचित्र मुद्रा दोष है। गुरुवर जी महाराज, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर। रुद्राभिषेक? हाँ हाँ महाराज, रुद्राभिषेक। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक करवाइए। मामा महामंत्री, हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज गजपति रुद्र प्रताप देव करेंगे। नहीं, सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज कृष्णदेव राय करेंगे। वो विजयनगर के राजा है। विजयनगर के राजा हमारे महाराज गजपति हैं। अर्थात उड़ीसा के राजा हैं। सर्वप्रथम वही रुद्राभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम हमारे महाराज यहाँ पर पधारे हैं तुम्हारे महाराज से पहले, इसलिए रुद्राभिषेक इन्हीं के हाथ होगा। हमारे महाराज इस संसार में प्रथम पधारे थे, वही करेंगे क्योंकि वो आयु में भी बड़े हैं। हमारे महाराज ऊंचाई में बड़े, उनके हाथों होगा। ये कौन है? ये हमारी सुपुत्री जगनमोहिनी है, अत्यंत रूपवती है। इतनी क्या प्रशंसा कर रही है महारानी तिरुमलम्मा? हम तो बस बता रहे हैं कि अत्यंत रूपवती है, परंतु हमसे कम। जगन मोहिनी रामा को ऐसे क्यों देख रही है? जगन मोहिनी तो महाराज को ऐसे देख रही है जैसे मां। क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अचानक से युद्ध के शंखनाद के साथ शहनाई सुनाई दे रही है। पुरोहित जी तय है, रुद्राभिषेक
महाराज ही करेंगे। ग्रोवर जी, ग्रोवर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अर्थात हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के हाथों ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। हम बोलेंगे सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज ही करेंगे पुरोहित जी। हमें तलवार दिखाता ही हमारे महाराज रुद्राभिषेक करेंगे पुरोहित जी। सत्य कह रहे गुरुवर। पुरोहित जी आप तैयारी कीजिए, रुद्राभिषेक तो हमारे महाराज ही करेंगे। पुरोहित जी आप रुद्राभिषेक आरंभ करवाइए और शीघ्र आरंभ करवाइए। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे हाथों से होगा। अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, ये अभी ठीक हो जाएंगे, हम इनके लिए काढ़ा बना कर लाते हैं। आप लोग चिंतित ना हो, मैं इन्हें अभी ठीक करके ले आता हूँ। गुरुवर सहायता तो कीजिए। हाँ मम्मा, यहाँ इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है, फिर जगन मोहिनी महाराज को ही निहारी जा रही है। आराम से नकली मूर्छा से बाहर आई गए हैं, तो चलिए चलकर परिस्थिति को संभालिए। देखिए ऐसी स्थिति में जहाँ इतनी सारी तलवारें बाहर निकली होती हैं, दो ही वस्तुओं का संभालना अति आवश्यक होता है। क्या? अपनी धोती और अपने प्राण। अरे 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 पुरोहित जी, अरे गुरुजी पुरोहित जी तो स्वयं ही बाहर निकले, आप दोनों राजा को कौन संभालेगा? गुरुवर अब तो हम दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। हम दोनों को नहीं, केवल आपको पंडित रामकृष्ण। ऐसा ना कहें गुरुवर, हमने नहीं संभाला तो वहाँ उन दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। तो अच्छा है युद्ध हो जाए है? वैसे भी हमें वो टिमटिमाती आंख वाला मामा महामंत्री बिल्कुल पसंद नहीं, यदि युद्ध हुआ ना तो हमें भी उसे चार पांच थप्पड़ मारने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं गुरु जी, मच्छर तो मारा नहीं जाता। अरे मूर्खो तुम नहीं जानते, हम अपने मंत्रों की शक्ति से बड़ी सेना को भस्म कर दें। ये मामा 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 क्या वस्तु है? सेना भस्म कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते उचित उचित तो दोनों राजाओं को मैं ही संभाल लेता हूँ। तत्पश्चात दोनों राजाओं से जो भी पुरस्कार मिलेगा ना सब मैं अपने पास रख लूंगा। संभावना दक्षिणा चढ़ावा जो कुछ भी मिलेगा सब मैं। रुकिए रुकिए, क्या करना होगा? करना नहीं करवाना होगा। परंतु क्या? दोनों राजाओं से रुद्राभिषेक। मामा महामंत्री जाकर देखिए पुरोहित जी अभी तक लौटे क्यों नहीं। जी महामंत्री तिमारसु। महाराज जाकर शीघ्र देखिए पुरोहित को क्या हुआ, आए क्यों नहीं अब तक। जी महाराज। वो पुरोहित जी नहीं आएंगे। क्यों महाराज? वो तो भयभीत होकर भाग गए। इनका कहने का आशय है उनका स्वास्थ्य उचित नहीं है तो वो भाग कर वैद्य के पास गए। और जाते जाते हमें अवगत करा कर गए हैं कि रुद्राभिषेक का शुभ मुहूर्त कुछ समय पश्चात निकल जाने वाला है, और प्रथम हम के कारण यदि वो शुभ मुहूर्त निकल गया तो रुद्राभिषेक ना आप कर पाएंगे और ना आप। पंडित रामकृष्णा आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हम ये रुद्राभिषेक सर्वप्रथम इन्हें करने थे? हाँ। नहीं नहीं महाराज, प्रथम और पश्चात का विषय ही नहीं रखते है ना, मैं और गुरुवर मिलकर आप दोनों को एक साथ रुद्राभिषेक करवा देंगे। असंभव, ये हमारी आन के विरुद्ध है, ये हमारी शान के विरुद्ध है। सोच लीजिए महाराज, यदि ये शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ तो दोनों राज्यों के लिए अपशकुन हो सकता है। क्यों गुरुवर? हैं?
क्यों गुरुवर? सत्य सत्य, हम अपनी ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हैं, हमें आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है दोनों दोनों राज्यों का। उचित है यदि यह प्रश्न हमारे राज्य के हित के विषय में है तो हमें स्वीकार है। राज्य का हित तो हमारे महाराज भी सोचते हैं, किंतु दोनों महाराज एक साथ अभिषेक, ये हमारे महाराज कदापि नहीं करेंगे। रहने दीजिए, हम नहीं चाहते हमारे कारण एक शुभ घड़ी व्यतीत हो जाए। परंतु महाराज। क्या परंतु 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 है? अब दोनों सहमत हैं तो आप कह रहे समाप्त करने की अपेक्षा बात बढ़ाने पर तुले हैं? चुप रहिए चुप रहिए। बताइए अब पूजा कैसे आरंभ की जाए? हाँ बताइए पूजा कैसे आरंभ की जाए। हमें पता है गुरुजी, आपको विधि नहीं आती। हम बोलेंगे। आप मत बोलिए, हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं सुनिए आप। विधि आती है, हमें अच्छे से विधि आती है। अब क्या है कि दोनों का रुद्राभिषेक आगे पीछे ना हो जाए तो हमने बढ़पन दिखाया और अवसर पंडित रामाकृष्णा को दिया है। ये वृद्ध पंडित बहुत ज्ञानी लगते हैं। हाँ तो पंडित रामाकृष्णा प्रारंभ कीजिए, हमने सिखाया था ना वैसे ही कीजिए। जी गुरुवर अवश्य। सर्वप्रथम भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के साथ बाल शिव का स्मरण करते हुए जल से अभिषेक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विधि संपन्न हुई। धन्यवाद धन्यवाद। रुकिए, अभी अभी कुछ शेष है। अब क्या शेष है गुरुवर? महाराज पंडित रामाकृष्ण अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, इन्हें स्मरण नहीं है। एक वस्तु है जिसके बिना रुद्राभिषेक तो क्या बड़ी से बड़ी पूजा भी संपन्न नहीं होती। तो आप हमें बताइए, हम ये पूजा संपन्न करेंगे पवित्र हृदय से, हृदय खोलकर, अधिक से अधिक संभावना अर्थात दक्षिणा देने पर ही पूजा संपन्न होती है। ऐसे महाराज यदि स्वयं को समर्पण कर दिया जाए तो फिर दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों आवश्यकता नहीं होती है? अवश्य आवश्यकता होती है पंडित रामाकृष्णा, आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए। श्रद्धा से दक्षिणा देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। संभवतः आपके महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ यहां पधारे। किसी भी कार्य में कमी छोड़ना कृष्णदेवराय ने भी नहीं सीखा है। जगन मोहिनी तो अपने नेत्र महाराज से हटा ही नहीं रही। आप दोनों महाराज ने हृदय खोलकर दक्षिणा दी। धन्यवाद धन्यवाद। अब इस दक्षिणा को दरिद्रों में वितरित कर देना चाहिए।
ठीक है, यही उचित रहेगा। ये समस्त दक्षिणा दरिद्रों में वितरित कर दी जाए। ये उचित नहीं हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। दोनों को एक दूसरे से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। कैसे घूर रहे थे दोनों एक दूसरे को? हाँ, जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था आलिंगन ही कर लेंगे, कस के भुजाओं में भर लेंगे। आलिंगन भुजाओं में भर लेंगे? हाँ, और तत्पश्चात ची 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 ची, हमें तो बोलने में भी लज्जा आ रही है। क्या बोलने में लज्जा आ रही है? वही जो अम्मा को लगता है। क्या लगता है अम्मा को? यही कि दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। हैं? विवाह? अरे विक्षिप्त हो गई हो क्या शारदा? विक्षिप्त तो वो दोनों लग रहे थे। कैसे एक दूसरे पर डोरे डाल रहे थे। अरे वो दोनों एक दूसरे पर डोरे क्यों डालेंगे, कुछ भी बोल रही हो। उठा लो। क्या उठा लो? आपके नेत्रों पे महाराज की श्रद्धा का जो आवरण पड़ा है ना, उसे उठा लो। हमने देखा है महाराज के नेत्रों में प्रेम। महाराज के नेत्रों में गजपति के लिए प्रेम? वाह। हम महाराज और गजपति की बात नहीं कर रहे। तो किसके विषय में कह रही हो? हम महाराज और जगन मोहिनी की बात कर रहे हैं। जगन मोहिनी? महाराज गजपति की पुत्री जगन मोहिनी और हमारे महाराज। गुड़प्पे शीघ्र खिड़कियों के पर्दे लगा, चल। और गुंडप्पे अपने दोनों कान बंद कर ले, अम्मा और शारदा कुछ भी बोल रहे हैं। यदि किसी ने सुन लिया ना तो कल का होता युद्ध आज हो जाएगा। परंतु हम सत्य कह रहे हैं। मेरा अनुमान सदैव सत्य होता है। ये मेरी छुपी हुई प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा, अपनी कला अपने पास रखो अम्मेश्वरी। मेरा तो अनुमान है कि कोई भूकंप आने वाला है। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, भूकंप आ चुका है और अब तो लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे दोनों महाराज आमने सामने हैं, अभी तो केवल शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं तलवारें भी चल जाए। ऊपर से रानियां भी एक साथ शिविर में हैं, उन्हें भी केवल एक कारण चाहिए, लड़ाई के लिए। सावधान, तुम दोनों ने जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों में से किसी को भी एक शब्द भी बोला तो उचित नहीं होगा। क्या कर लोगे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या लोगे? बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो कर क्या लोगे? अरे मैं अपने प्राण दे दूंगा। ओके। उचित बोल रही है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्या नहीं बोलना? कुछ नहीं मंत्रीवर, चलिए कहीं वहां तलवारें ना चलने लग जाएं। चलिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे ओडिशा के दरबार में कोई भी समस्या बिना निवारण के नहीं लौटती। आप तो ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि हमारे राज दरबार में जब भी कोई समस्या आती है उसके दो तो हल होते हैं, एक नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप और भी अचंभित हो जाएंगे कि हमारे दरबार में मुद्दा आने से पहले ही हमारा दरबान उस मुद्दे का निवारण कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको ये जानकर उससे भी अधिक आश्चर्य होगा कि हमारे राज दरबार में जो भी समस्या आती है वो अपने आप ही सुलझ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कभी कभी अपराध सुनने से पहले ही मृत्यु दंड दे देते हैं। मुद्दा सुने बिना ही मृत्यु दंड? मतलब हमें ये आभास हो जाता है कि दोषी कौन है तो हम मृत्यु दंड दे देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो हम सप्ताह में 3-4 मृत्यु दंड घोषित कर देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो हर प्रहर में बस मृत्यु दंड देते रहते हैं। हमारा तो जब भी मन होता है हम किसी ना किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। अरे हमारी तो उंगली जिसकी ओर उठती है हम तो उसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। <स्थाथ>
के स्थान पर वो बुढ़ा पंडित होता तो और भी अधिक आनंद आता। आपको तो अपनी उंगली उठानी पड़ती है, हमारे तो केवल दृष्टि ही पर्याप्त। आज देखिएगा, यहाँ पर इस कक्ष में जो भी सर्वप्रथम आएगा और जो भी हमें दृष्टिगत होगा उसे हम मृत्युदंड दे देंगे। अरे आप क्या देंगे मृत्युदंड? व्यक्ति आपके राज्य का हो या हमारे राज्य का, मृत्युदंड तो हम देंगे। देखते हैं। हाँ हाँ देखते हैं, अगले व्यक्ति को आने तो दीजिए। रुकिए, आपने जो किया अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्ण। अब देखो हम क्या करते हैं। मैंने क्या किया गुरुवर? अरे सारी दक्षिणा बिटवा दी। विदित है, एक ब्राह्मण के लिए दक्षिणा कितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है। हाँ विदित है, विदित है, परंतु वो समस्त भी तो दरिद्र ब्राह्मण थे ना। तो क्या हुआ, हमें तो नहीं मिली ना, उचित नहीं किया तुमने। नहीं नहीं गुरुवर, आपने नेकी का कार्य किया है, पुण्य तो आपको भी अवश्य मिलेगा। सत्य वचन। अरे क्या सत्य वचन, सत्य वचन? हम क्या आचार डालेंगे पुण्य का? सारा आश्रय तो तुम ले जाओगे। नाना गुरुवर, मैंने कुछ नहीं लिया और ईश्वर भी तो देख रहा है। हाँ। वो आपको श्रेय में पुण्य अवश्य देगा, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। जैसी आपकी इच्छा। रुकिए, त्रुटि पर त्रुटि, अब हमसे आगे निकलोगे? बड़ा कौन? आप। गुरु कौन? आप। तो प्रथम किसे प्रवेश करना चाहिए? आपको। यहीं खड़े रहो। चल मनी, चल 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 चल। पता नहीं इस बुढ़ऊ को बलि का बकरा बनने में इतना आनंद क्यों आता है। अब असली आनंद तो हमें आएगा। हम हैं महारानी तिरुमलम्बा, महाराज कृष्णदेव राय की छोटी महारानी। और हम हैं महारानी चिन्ना देवी, महाराज कृष्णदेव राय की बड़ी महारानी। हम हैं पद्माल्या, एकमात्र महारानी। ये है हमारी प्यारी सुपुत्री राजकुमारी जगन मोहिनी। हमारा तो हृदय कर रहा है अभी बता दें। मेरा भी, परंतु हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा रामा अपने प्राण दे देगा। जितनी रूपवती है उतनी सुंदर मुस्कान, उतनी सुंदर पोशाक और उतने ही मनमोहक आभूषण। ये देखो अनेक प्रांत के रत्न। ओह, हमारे तो हर आभूषण में हर प्रांत के रत्न होते ही हैं। अभी तो महारानी तिरुमलम्बा के पास तो विदेशों से आए रत्न भी हैं। हाँ, परंतु हमें तो ज्ञाति है। देखिए इतने हैं कि इन्हें ये ज्ञाति नहीं है कि इनके पास कितने आभूषण हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आपको ये तो स्मरण होगा ना कि महाराज ने जो हमें नौलख का हार दिया था वो हमने कहाँ रखा है? क्या महाराज ने आपको नौलख का हार दिया था और हमें नहीं दिया? देखिए पुनः भूल गई, महाराज इतने उपहार देते रहते हैं ना इसीलिए। अरे दान तो हमारे राज्य में किया जाता है, बोरे भर के मोतियों और रत्न दिए जाते हैं। अब कली पूजा में आने से पहले महाराजा ने राजकुमारी के हाथों 100 बोरे मोतियों दान किए हैं। देखो ना आज भी राजकुमारी के हाथ में पीड़ा है। हम भी बहुत दान करते हैं, पिछले सप्ताह हमने करेले के लड्डू बनाकर दान किए थे। बस अरे हमारे हाथ के काली मिर्च के बने लड्डू खाकर तो लोग अपनी उंगलियां काट लेते हैं। काली मिर्च के लड्डू? लगता है दोनों बिछड़ी हुई बहने हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। दीदी दीदी दीदी, आप हमसे बड़ी हैं तो दीदी ही बोलेंगे ना। इसने तो रिश्ता बनाना भी आरंभ कर दिया। अम्मा पूर्ण तैयारी के साथ आई है, अब देखो कैसे अपना चाल बिछाते हैं। अब आप गाती भी हैं? ये हमारी छिपी कला थी, अभी अभी आरंभ किया है। हम भी गाते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हम आज से ही अपना अभ्यास आरंभ करेंगे। अम्मा
इनमें भी मित्रता हो गई, ये भी विपदा को गले लगा रही है, अब तो इन्हें बताना ही होगा। परंतु रामा, रामा से कौन भयभीत होता है? उल्टा वो मेरी लाठी से भयभीत होता है। आइए हम आपको हमारा तानपुरा दिखा दें। चलिए हम अपने अपने स्वामियों को भोजन प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। चलिए अब क्या बचेगा अम्मा? तानपुरा नहीं, अब या तो शहनाई बजेगी या युद्ध का शंख। हमें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल उस व्यक्ति की आहट से उसे मृत्युदंड दे देंगे। सर्वप्रथम जो भी इस कक्ष में आएगा उसकी आहट सुनकर हम उसे मृत्युदंड दे देंगे। आपको मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड? मृत्युदंड क्यों 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 क्यों? गुरुजी आप तो यहाँ पे आए थे पंडित रामकृष्णा को दंड दिलाने, उल्टा आपको ही दंड मिल गया। वो भी मृत्यु दंड गुरुजी, मृत्यु दंड। मामा महामंत्री, इनको मृत्यु दंड दो। महामंत्री तिवारसु, इन्हें दंड हमारे राज्य में दिया जाए। तुमने अपराध क्या किया है? हमने तय किया था कि जो भी सर्वप्रथम भीतर आएगा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हमने किया था, मृत्यु दंड भी हम ही देंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुरुजी, महाराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वीकार कर लीजिए मृत्यु दंड, प्यार से कर लीजिए। इनका मृत्यु दंड हमारी ओर से निश्चित है, ये हमने निश्चित किया है। परंतु आप दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा, मृत्युदंड की प्रतीक्षा कौन करेगा? हम अभी इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े तो हमारी तलवार से होंगे। हम कोई तरबूज है जो हमारे टुकड़े टुकड़े होंगे? महाराज नहीं। पंडित रामकृष्ण, आप हमसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, इतनी उत्तंडता, इतना साहस, इतना दुस्साहस। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल आपको अनर्थ करने से बचा रहा हूँ। कैसा अनर्थ पंडित रामकृष्ण? ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, टुकड़े तो हमारी तलवार से ही होंगे।